सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू, एंड काफ़ी टाइम के बाद फाइनली लोगों के इतने सारे मैसेज आने के बाद आप एक नए शो के साथ वापस आई हो. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. और दीवानियत लेकर आ रही हो आप, कितने दीवाने होने वाले इस शो को देखने के बाद लोग, प्लीज़ उस शो के बारे में कुछ बताइए. पहले तो मैं करेक्ट कर लूँ, मैं नहीं लेके आ रही हूँ, शाइका फिल्म्स लेके आ रही है एंड स्टार प्लस. सो इट्स अ बिग शो, वेरी ग्रैंड शो एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट हैज़ अ वेरी ह्यूज स्टार कास्ट आल्सो. इसमें किस तरह के किरदार आपको देखने वाले? वेल उसके लिए आपको मुझे हमेशा लाइक मुझे आपको वापस बुलाना पड़ेगा फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. बट मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि येस आई एम गोइंग टू बी अगेन प्लेइंग अ डिफरेंट शेड. मैं हमेशा एक एक्टर के नाते मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा कोई अलग रोल में दिखूँ, यू नो, लाइक पंची डोबरियाल वॉज अ डिफरेंट रोल, सरस्वती चंद्र में अलग, बहुमारी रजनीकांत में मैगी भाभी, लाइक टोटल कॉमेडी. सो यू नो इवन दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द शो. कोई भी शो अगर साइन करते हैं हम तो काफ़ी सारे एम्बार्गो हो जाते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं बतानी ऑडियंस को जब तक शो रिलीज ना हो. तो कोई भी ऐसा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट या एक कुछ भी अच्छा चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिससे वो और अट्रैक्ट रहे शो देखने के लिए? वेल एज आई सेड इट हैज़ एन अमेजिंग स्टार कास्ट. हीरो है मिस्टर विजेंद्र कुमेरिया, तो वैसे भी सारी लड़कियाँ देखेंगी एंड कहानी भी बहुत ही अच्छी और दिलचस्प है. सो आई थिंक देयर आर मेनी फैक्टर्स, मैं भी हूँ उसमें, सो ऑब्वियसली प्लीज टू वॉच इट. बिल्कुल, जहाँ तक हम लोगों को खबर है ये आपका जो सेट है जहाँ आप शूट करती हो उसी के आसपास आपकी जो एक्स शूट जहाँ आप करती थी, कौन सा बहू हमारी रजनीकांत प्यार की, उसके भी सेट थे, तो उससे आपकी मेमोरी कितनी ज्यादा बनी रही थी और कितनी आपकी? वेल नॉट जस्ट बहू हमारी रजनीकांत, विस्लिंग वुड्स के पास मेरा दूसरा सेट रहता था सरस्वती चंद्र, प्यार की कहानी के भी काफ़ी पोर्शंस हमने वहाँ शूट किए थे. हम लोग कॉलेज सीन्स और अपना जंगल, फिल्म सिटी जंगल में वैम्पायर सीन्स करते थे. सो आई हैव टू मेनी मेमोरीज इन फिल्म सिटी. और ये भी शो जो है लाइक अब मेरा सेट जो पहले तेरी मेरी डोरियां का सेट था अभी वो ही है. वेरी नाइस सेट एंड वेरी ग्रैंड. आपके लास्ट शो से लेके अभी तक का थोड़ा लंबा अर्जा हो चुका है जो आप स्क्रीन पे लोगों को, दर्शकों को दिखी नहीं है. लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे आपके इंस्टाग्राम सोशल हैंडल पे भी कर रहे थे, तो आपको बीच में काफ़ी सारे स्क्रिप्ट आए होंगे, काफ़ी सारे काम आए होंगे, बट किस तरह से आप स्क्रिप्ट चूज़ करती हो, डिसाइड करती हो? देखो एक तो मैंने एक बात बहुत अच्छे से भी सीख ली है मैंने लाइफ में कि जब तक आपका कोई सही वक्त नहीं आता आप कुछ नहीं कर सकते हो. लाइक जब आपके लिए सब कुछ सही है वो सब यू नो वही टाइम पे होता है. तो पहले भी ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज बीन एन एक्टर और मैं वेब करना चाहती थी बट देवर नॉट वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़. मैंने कश्मकश किया और हिकअप्स और हुकअप्स किया, लेकिन लाइक दूसरा टीवी मैं नहीं करी थी बिकॉज ऑफर्स बहुत ही हॉरिबल आ रहे थे, तो इससे अच्छा मैं नहीं करूँ वो बेटर है. और एक होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका घर चलाने के लिए, तो उसके लिए मैं अपना इवेंट्स कर रही थी, इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी, ब्रांड कैंपेन्स कर रही थी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे योर बिल्स. सो या बट आई डोंट लाइक टू डिसअपॉइंट माई ऑडियंसिस. मैं तभी कुछ करती हूँ वैन इट इज़ रियली गुड, वैन देर इज सम क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन एंड वैन देर इज सम क्वालिटी. और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारे हॉरेबल स्क्रिप्ट आपके पास आ रहे थे, तो एज एन एक्ट्रेस जब आप अपने पास में काफ़ी अच्छा काम कर लो और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाए तो लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं आपसे भी आके, आपके आगे के काम से भी. 100%. तो वो उस चीज़ का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आगे के मैं काम काफ़ी संभल के करूँ? या ऑडियंस तो ऑब्वियसली आपको आपके फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए भाई, लेकिन मैं अपने आप को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ. भाई मैं बोलूँ अगर मैं कुछ रोल ले लूँ जिसमें मुझे खुशी ही नहीं है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो फिर मैं अपने पूरे दिल से नहीं कर पाऊँगी. मैं तभी रोल लेती हूँ जब मुझे यू नो बहुत एक्साइटमेंट हो एंड आई कैन यू नो विजन माई सेल्फ डूइंग इट. Like, you know, and there's amazing producers, amazing channel, amazing set. So, then I get full excited. जैसे ही खबर आई कि आप ये शो कर रही हो, लोगों का ये मैसेज ऐसा आना स्टार्ट हो गया कि प्रोमो कब आ रहा है, हम एक झलक देखने को कब मिलेगा, तो उस बारे में कुछ बताइए. वेल वो तो अभी मैं भी नहीं बता पाऊँगी. हमारा शो अभी एपिसोड हम शूट कर रहे हैं लेकिन आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, चाहिए शूट साइन जैसे कि और आप ब्यूटीफुल हो गई और मतलब वेट लॉस हो गया, तो इसका राज क्या? आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए दीवानियत. द मोमेंट मुझे पता चला आई एम डूइंग दिस शो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू साइन इट, तो मैं इंस्टेंटली लाइक मैंने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को कॉन्टैक्ट किया एंड आई एम बीन ऑन लाइक अ गुड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट.
आपके पुराने किरदार को लेकर कितने सारे रिएक्शन अभी भी आपको मिलते हैं? हमेशा आई थिंक सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे प्यार की एक कहानी के लिए ही मिला है, लाइक आज तक मुझे लोग पंजी डोबरियाल ही बोलते हैं जी। उसके लिए तो आज तक इतना प्यार मिला है। सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एक्ट्रेस के लिए? सोशल मीडिया आज के ज़माने आप मानो या ना मानो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग एक अलग एरा में रहते हैं जहाँ हमारे फैंस हमारे बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं, यू नो दे वांट टू सी व्हाट वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ, दे वांट टू सी व्हाट वी हाउ वी लिव, यू नो आवर लाइफस्टाइल, सो सोशल मीडिया टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल मीडिया फॉलोवर्स इस टाइम पे लोग दे आर कंपेयरिंग विद द प्रॉपर्टी, लाइक सोशल मीडिया एक हमारे कमाने का जरिया बन चुका है ऐसा लोग। दैट्स अ फैक्ट। मैं तो मेरे बहुत सारे एक्टर दोस्तों को बोलती हूँ, मैं इनको पुश करती हूँ कि करो ना इन्फ्लुएंसिंग, बिकॉज उसके थ्रू भी तो इतने एड्स आ रहे हैं, डिजिटल एड्स, ब्रांड कैंपेन्स, पूरे कोविड में मैंने इसी की वजह से तो सर्वाइव करा है। तो सोशल मीडिया पे दो पार्ट होते हैं, एक बुरे पार्ट होते हैं, पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट, तो उस चीज़ को आप कितने मद्देनजर रख के अपनी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट होती हो, अगर कोई भी बुरा कमेंट आता है तो आप उससे इफेक्ट करते हो? जैसे डिलीट बटन, डिलीट। मैं तो एंटरटेन ही नहीं करती हूँ। मैं पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं जवाब भी देती थी, लेकिन नाउ आई जस्ट रियलाइज जस्ट डिलीट, देयर इज नो पॉइंट एंगेजिंग इन इट, बिकॉज यार आप अपने आप को जानते हो, आप हर किसी को जाके आपकी सच्चाई नहीं बता सकते या किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते, सो आई थिंक जस्ट डिलीट एंड ब्लॉक, सिंपल। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना है आपको, क्योंकि इस तरह जिस तरह से OTT का दौर चलता आ रहा है जी, काफ़ी काम मिलने लगे हैं लोगों को, और ऑफ कोर्स और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है OTT प्लेटफॉर्म, तो उसमें आपकी क्या राय है? आई थिंक OTT हैज़ ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स टुडे फॉर लॉट ऑफ एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स जो इतने सालों से दिख नहीं रहे थे अभी दिख रहे हैं OTT में, उनको चांसेस मिल रहे हैं। आई लव OTT एंड वन डे इवन आई वुड लाइक टू डू अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स इन OTT। OTT में आपको लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म निकलने के बाद आप उनमें से कहीं एक चीज़ में तो दिखेंगी। एज आई सेड आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि कभी आपका वक्त ही नहीं सही होता है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने तो हमेशा ट्राई करा है लेकिन मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, सो लेट्स सी ऑब्वियसली इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि एज एन एक्टर हम आपको जो पर्दे पे देखते हैं उतना ही समझ पाते हैं, बट आपके पर्सनल लाइफ में स्क्रिप्ट को लेके, लोगों से बातचीत करने पे लेके, काम को लेकर ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना और मिलना और सिलेक्ट करना? मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जैसे कोई भी स्क्रिप्ट हो, हाँ जी, आपको पसंद नहीं आ रहा है, लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं, और लोगों का प्रेशर कि आपको वो पर्दे पे देखना चाहते पर आप वो नहीं कर पा रही हो, हाँ, तो वो चीज़ लोगों को समझाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि जब मेरे पास कोई अच्छा चीज़ आएगा? ऑफकोर्स मैं तो हमेशा बोलती हूँ थ्रू माई इंटरव्यूज, लेकिन मैं फैंस से भी बोलती हूँ मेरे लाइव चैट्स पे या जहाँ भी, सो लेकिन अभी वो लोग तो खुद ही समझ जाते हैं ना, बिकॉज देन दे एटलीस्ट नो कि ओके व्हेन एवर आई डू प्रोजेक्ट्स आई ओनली डू गुड वर्क, लाइक फिर बीच में मैं थोड़ा गायब रहती हूँ, लेकिन जब भी ये आती है तो कुछ अच्छा ही काम करती है, सो आई थिंक उससे तो बहुत लोग समझ ही जाते हैं। लोग तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं आपके इंस्टाग्राम हैंडल को, यूट्यूब को, आप कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हो, क्योंकि लोगों को आपका कंटेंट काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा लग रहा है? आई लव इट यार, वो मुझे लाइक ऑनेस्टली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत नेचुरली आती है। लॉट ऑफ पीपल कीप टेलिंग मी अरे यार व्हाट डू यू डू ऑन इंस्टा, गिव मी टिप्स एंड ऑल, बट लेकिन मेरे लिए इट वॉज सो मच फन ऑलवेज, बिकॉज मैं हमेशा बचपन से ही बहुत आउट गोइंग हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, आई लव ट्राइंग डिफरेंट फूड, सो basically whatever I'm doing, I'm just sharing my experience जी. and people are loving it. अजय आपने बताया कि लोग आपसे टिप्स मांगते हैं जी, तो कोई टिप्स आपने दी या कोई किसी का सजेशन आपने लिया अपने कंटेंट में? वेल मैं कौन होती हूँ यार टिप्स देने वाली, वही मैं बोलूँ मुझे जो आता है बहुत नेचुरली इनबॉर्न ही आता है, लेकिन हाँ मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स को इतना तो बोलती हूँ कि यार आप आप इंस्टाग्राम से कमा सकते हो, तो क्यों आपको लाइक यू नो कमाना नहीं है, आपको और काम मिल सकता है, एड्स मिल सकते हैं, सो आई कीप ट्राइंग टू टेल माई फ्रेंड्स के पुश योर सेल्फ। ओके, सो बैक टू द दीवानियत, कितना शूट हो चुका है अभी तक? अभी तक थोड़ा बहुत शूट हो चुका है, बट वील गो ऑन एयर वेरी सून। आपका एक अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गया था कि आप बिग बॉस में जाने वाली हो, आपने शायद एक स्टोरी भी लगाई थी कि ये गलत फेक न्यूज़ है ये नहीं, तो इसमें क्या हो रहा था? वेल वो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ थी, तो इसलिए मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, क्योंकि आई एम शूटिंग अनदर शो एंड मेरी कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी है, सो आई कैन नॉट कॉज डैमेज टू माई प्रोड्यूसर्स,
सेकेंडली इस न्यूज़ में बिल्कुल ही कोई सच्चाई नहीं थी, तो लाइक इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ बिग बॉस। शो तो ऑन एयर चल ही रहा है जी, कोई आपके फ्रेंड गए हैं उसमें? हाँ ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड है अंदर, सारा और आफीन खान, दे बोथ आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स। आप फॉलो कर रही हैं? तो मैं लाइक मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही शूट की वजह से, लेकिन मैं ऑब्वियसली क्लिपिंग्स तो देखती रहती हूँ। सो अगर आपको तो पहले भी ऑफर आ चुके, बट अब आगे ऑफर आया आपको, तो आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस? ऑब्वियसली लाइक अभी इस साल तो मैं नहीं जा पाई, लेट्स सी व्हाट द शो आल्सो हाउ इट यू नो गोज एंड हाउ द ऑडियंस इज रिसीव इट, लेट्स सी लाइक कभी मौका मिले तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में देखेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एंड देन यू वांट टू से समथिंग फॉर दीवानियत फॉर द ऑडियंस? वेल आई जस्ट वांट टू टेल द ऑडियंस कि थैंक यू फॉर ऑल द अनकंडीशनल लव, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू ऑल हैव ऑलवेज गिवन मी, एंड नाउ आई रियली नीड योर सपोर्ट। माय शो इज कमिंग एंड आई होप यू गाइस लाइक माय कैरेक्टर, प्लीज कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, आई लव यू। Thank you.